क्वेश्चन ये कह रहा है कि पीटी इज ए टेंजेंट एट द पॉइंट आर ऑन ए सर्किल विथ सेंटर ओ। पीटी ये क्या है? स्पर्श रेखा है वृत्त के किसी बिंदु आर पर। एस क्यू क्या है? एक डायमीटर है जो कि आगे बढ़ाने पर पी से मिलता है, पीटी टेंजेंट से मिलता है, ठीक है, एट पॉइंट पी पर। एस पी टी हमें 32 डिग्री दिया गया, तो क्यू आर पी हमसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए कि फिगर कैसे इसका ड्रॉ होगा। ये आपको एक सर्किल यहाँ पर दिया गया है, सर्किल इसमें एक टेंजेंट बोला गया है कि एक टेंजेंट पी टी है जो कि पॉइंट आर पर स्पर्श कर रहा है। अगर मैं इसको टेंजेंट मान लूँ, यहाँ मैं इसको ले जाऊँ ऐसे, तो वृत्त के पॉइंट आर पर क्या स्पर्श कर रहा है? टेंजेंट कौन? पी टी, ये पी हो गया, इसको टी मान सकते हो। इसमें इसने बोल के रखा है एक एस क्यू क्या है? डायमीटर है जिसको आगे बढ़ाने पर पी से मिलता है। अगर मैं यहाँ से एक डायमीटर ले लूँ, जो कि आगे बढ़ाने पर हमें किससे मिलता है? पी पर मिलता है। तो ये क्या हुआ? एस हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी पर मिल रहा है, ठीक है। और एस पी टी यानी कि ये एंगल हमें दे रखा है कितना? 32 डिग्री। हमसे पूछा है क्यू आर पी की वैल्यू बताना है, क्यू आर पी की वैल्यू बताना है, यानी कि इसका वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। किसका वैल्यू पूछा है? इसका वैल्यू पूछा है, जो ये आपका एंगल दिख रहा है ना, इसका हमें वैल्यू बताना है। अभी इसका सेंटर क्या है? ओ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर। तो आप देखोगे ये डायमीटर है एस क्यू, और ये क्या है आपका? स्पर्श रेखा, ये रेडियस है। तो स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में हमेशा कोण कितने का बनता है? 90 का। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण जो है 90 का हो गया, ठीक है। कितने का हो गया? 90 का हो गया। अगर ये 90 है, ये 32 है, तो ये एंगल कितना का होगा? ये एंगल कितना का होगा आप हमें बताओ। अगर ये पूरा के पूरा 90 है, ये कितना है? 32 है, ये एंगल कितना का हो जाएगा? तो आप बोलोगे 90 में से हम क्या करेंगे, 32 को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा कितना आपका? 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? ये 7 में से 3 का 4, 48 डिग्री का। ये एंगल कितना का होगा आपका? 48 डिग्री का। अब देखो ये 48 डिग्री आ गया, सॉरी 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 58 होगा ना, 90 में से 32 जाएगा, कितना? 58 होगा, ठीक है। ये एंगल 58 हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि क्यू आर और ये ओ, क्यू आर ओ अगर मैं ट्रायंगल में आपसे बोलूँ, तो ये क्या है? एक एक्सटेरियर एंगल है। क्या है? एक्सटेरियर एंगल है कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल, यह क्या है? एक्सटेरियर एंगल है। और एक्सटेरियर एंगल क्या होता है? दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अगर ये पूरा लाइन कितना है? 180 डिग्री की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण, और ये कोण कितना है? 58 डिग्री का। तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका? माइनस करो 180 में से, तो ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका? 2, और ये हो जाएगा 1, 122 डिग्री का। ये 122 डिग्री कब बनेगा? ये दोनों जो एंगल होंगे इनके सम के बराबर ही होगा ना। अगर बाह्य एंगल क्या होता है? दो अंत एंगल के सम के बराबर होता है। और ये थीटा 1 है, ये थीटा है, और ये थीटा है, यानी कि 2θ = 122 है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 61, यानी कि ये कोण 61 है, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। अब पूरा, जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण कितना है? 90 है, और ये बीच वाला एंगल कितना आ गया? 61 आ गया। तो 90 में से मैं क्या 61 को माइनस कर दूंगा, तो ये जो आर है मैं नहीं निकल कर आ जाएगा? बिल्कुल, अगर मैं 90 में से 61 को माइनस करता हूँ, तो हो जाएगा कितना? 29 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ये एंगल होगा ना, मैं जो रेड कलर से कलर कर रहा हूँ इसको, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 29 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।